वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दोस्त। आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि एक दीवार बनाने में कितना ईंट लगने वाला। कैलकुलेट द नंबर ऑफ ब्रिक इन वॉल। एक वॉल बनाने में, एक दीवार उठाने में कितना नंबर ऑफ ब्रिक लगने वाला है। तो हमने एक एग्जांपल लिया है दोस्त 20 फीट का, और इसका जो हाइट होगा वो 10 फीट होगा, और इसका जो थिकनेस चौड़ाई जो होने वाला है वॉल का वो 9 इंच होने वाला है। ठीक है, मतलब कि 20 फीट चौड़ा एक दीवार है जिसका हाइट है 10 फीट तक हाइट उठाने वाले हैं, और 9 इंच जो है इसका चौड़ाई होने वाला है। तो आइए समझते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे दोस्त, ये पूरे दीवार का हम लोग वॉल्यूम निकालेंगे। वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, जो भी हमारा लेंथ होता है, लंबाई होता है, जो भी हमारा हाइट होता है, ये दोनों को क्या करते हैं, ये जो इंच होता है ये तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने क्या किया, वॉल्यूम ऑफ वॉल निकालने के लिए लंबाई, चौड़ाई और हाइट ये तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। तीनों को आपस में मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया, वॉल्यूम ऑफ वॉल। ठीक है, वॉल, वॉल्यूम ऑफ वॉल। वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम निकालने के लिए दोस्त जैसे कि देखिए, एक मेरा एक डायमेंशन है, दूसरा डायमेंशन हमारा चौड़ाई है, और तीसरा डायमेंशन इसका जो कुछ हाइट है। तो ये तीनों मिलकर एक क्या होता है, बॉक्स नुमा डिजाइन बन जाता है। ऐसे ही तो हमारा दीवार भी होता है ना, कि एक चौड़ाई होता है, एक लंबाई होता है, एक हाइट पे हम लोग दीवार उठाते हैं। ठीक है, ये तीन नुमा हम लोगों का ऐसे ही दीवार होता है। एक एग्जाम्पल लिए हैं हम। अब देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, वॉल्यूम निकालने के लिए जानेंगे लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो 20 फीट, 9 इंच और 10 फीट, ये तीन डायमेंशन है, तो 9 फीट, 9 इंच जो है इसको हम लोग कन्वर्ट कर देंगे, किसी में पलट देंगे फीट में। तो फीट बराबर होता है 12 इंच इज इक्वल टू 1 फीट, एक फीट में 12 इंच होते हैं। तो 9 इंच में हम लोग क्या करेंगे, 12 से डिवाइड कर देंगे, 9 इंच को 12 से डिवाइड कर देंगे, तो मेरे पास रिजल्ट निकल कर आएगा 0.75 फीट। तीनों को मल्टीप्लाई किए तो मेरे पास आ गया 150 क्या है, क्यूबिक फीट। 150 क्यूबिक फीट क्यों आया, क्योंकि तीन डायमेंशन को क्यूबिक कहते हैं, क्यूबिक, और फीट में है ना, ऑल डायमेंशन क्या है, फीट में है, तो मेरे पास आ गया 150 क्यूबिक फीट। क्लियर है यहाँ तक। अब हम क्या करेंगे, साइज देखेंगे, ब्रिक का साइज क्या है। ब्रिक का साइज हम रखने वाले हैं 9 इंच, तो 9 इंच का जो ब्रिक होता है उसका लेंथ 9 इंच होता है, लेकिन चौड़ाई जो होता है वो 4.5 इंच होता है, जो थिकनेस जो हाइट होने वाला है वो 3 इंच होने वाला है। ठीक है, अब ये तीनों डायमेंशन को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो वॉल्यूम हो जाता है ब्रिक का। तो एक ब्रिक का वॉल्यूम हम लोग कैसे निकालते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे हाइट को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये तीनों डायमेंशन इंच में, तो फीट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 9 इंच को 12 से डिवाइड कर देंगे, 4.5 इंच को 12 से डिवाइड करेंगे, 3 इंच को 12 से डिवाइड करेंगे, तो मेरे पास जो रिजल्ट निकल कर आएगा ये आपके सामने है, और ये तीनों डायमेंशन क्यूबिक फीट में आ जाएगा, क्योंकि तीन डायमेंशन फीट में, तो क्यूबिक फीट हो गया। अब तीनों डायमेंशन को क्या करेंगे दोस्त, हम लोग वॉल्यूम निकालेंगे। ब्रिक का वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, तो ब्रिक का जो वॉल्यूम होता है, विथ मोर्टार हम लोग यूज करते हैं। मोर्टार क्या होता है, सीमेंट और सैंड को, तीनों को पानी के साथ जब हम लोग ऐड करते हैं, तो उसको वो हम लोग को मोर्टार आ जाता है। ये मोर्टार वर्ड जो है इंजीनियरिंग वर्ड है, साइट पे लोग मैक्सिमम लोग मसाला का यूज करते हैं, मसाला वर्ड का यूज करते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम क्या करेंगे, जो हम मोर्टार या फिर जो मसाला है सीमेंट और सैंड और वाटर का जो मिक्सिंग है, उसको जब हम लोग जो ब्रिक के साथ बॉन्डिंग पर्पज से ऐड करेंगे इसमें, ठीक है, यूज करेंगे कि हमारा बॉन्डिंग करवाना है तो यूज करेंगे, तो उसका क्या होगा कि लेंथ जो है ये बढ़ जाएगा, ये लेंथ जो है बढ़ जाएगा, और इसका जो चौड़ाई है वो वैसे ही रहेगा, लेकिन थिकनेस जो है ये 3 इंच ये बढ़ जाएगा। ठीक है, तो देखिए कितना बढ़ेगा, 9.5 इंच हो जाएगा इसका लंबाई, चौड़ाई जो है वो 4.5 इंच हो जाएगा, जैसा कि है अभी वैसे ही रहेगा चौड़ाई, और हाइट जो हो जाएगा इसका 3.5 इंच हो जाएगा। ये तीनों इंच को सेम एज इट इज वैसे ही हम लोग फीट में कन्वर्ट करेंगे, 12 से डिवाइड कर देंगे तीनों को, तो 12 से डिवाइड किए तो मेरे पास रिजल्ट निकल कर आ गया 0.084 क्यूबिक फीट। ये तीनों डायमेंशन किस में रहेगा, वॉल्यूम में आएगा। ठीक है, मतलब तीन डायमेंशन है तो वॉल्यूम आ गया किसका, ब्रिक का, विथ मोर्टार के साथ। अब हम क्या करते हैं दोस्त, पॉइंट ऑफ व्यू जो मेरा फाइनल डिसीजन होने वाला इसी पे हमारा रिजल्ट है। ठीक है, नंबर ऑफ ब्रिक इन वॉल, एक ब्रिक में
कितना ब्रिक एक वॉल में कितना ब्रिक लगेगा वो हम जानते हैं। देखिए वॉल्यूम ऑफ वॉल जो हमारा यहाँ पे आया था, वॉल्यूम ऑफ वॉल कितना आया 150 क्यूबिक फीट, ठीक है। 150 को डिवाइड कर देंगे वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक विथ मोर्टार, विथ मोर्टार जो इसका लंबाई और हाइट जो बढ़ा था उसके साथ वाला जो वॉल्यूम जो हम यहाँ पे निकाले हैं 0.084 एक ब्रिक का, उससे डिवाइड कर देंगे 150 क्यूबिक फीट डिवाइडेड बाई 0.084 CFT क्यूबिक फीट, ठीक है। तो मेरा जो रिजल्ट निकल कर आया वो आया 1785.71, ठीक है। ओवरऑल मतलब कि 1786 नंबर्स जो हैं वो हमारा ब्रिक लगने वाले हैं, 1786 ब्रिक लगने वाले हैं, जिसका जो साइज था जो एग्जांपल था वो था 20 फीट चौड़ा, 10 फीट लंबा हाइट और 9 इंच का दीवार रखने वाले थे। अगर मान लीजिए आप कोई रूम उठाने वाले या घर बनाने वाले जिसका जो लंबाई है वो 40 फीट हो सकता है, या फिर मान लीजिए 10 फीट होने वाला है और हाइट जो है वो 10 फीट या 12 फीट जो भी होने वाला, अगर आप बोलिएगा कि नहीं हम 9 इंच नहीं रखने वाले हैं, हम 4 इंच या 4.5 इंच का दीवार रखने वाले हैं, तो उस हिसाब को आप सेम कंडीशन पे वॉल्यूम जो है सॉरी जो यहाँ पे जो दिया हुआ है जो भी आपका साइज वो आप अपने अकॉर्डिंग पुट कीजिएगा और सेम ऐसे ही आपको निकाल लेना। सबसे पहले क्या करना है, वॉल्यूम निकालना है, वॉल का वॉल्यूम निकालना, कैसे लंबाई गुणे चौड़ाई करना है, साइज और ब्रिक, ब्रिक का एक साइज लेना है, उसको क्या करना है मोटार के साथ उसको वॉल्यूम निकाल देना है, ठीक है। उसके बाद दो हो गया, एक वॉल्यूम ऑफ वॉल हो गया, एक वन ब्रिक का वॉल्यूम हो गया, ठीक है। दोनों को क्या करना है डिवाइड कर देना, वॉल्यूम ऑफ वॉल को डिवाइड करना है वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक विथ मोटार, तो हमारा जो रिजल्ट निकल कर आएगा वो नंबर्स में आ जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं बहुत ही कम टाइम में आपको समझाने का कोशिश की। अगर इस टाइप का और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इससे मेरे को खुद का मोटिवेशन मिलता है, ठीक है दोस्त। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।